नमस्कार साथियों, एमसीडी चुनाव की घोषणा हो चुकी है और एमसीडी जो चुनाव है वो दिल्ली का बड़ा ही महत्वपूर्ण चुनाव है। दिल्ली पूरे देश का दिल है, तो ऐसे में उस दिल के अंदर हलचल हो रही है तो उस पर सबकी नज़र रहेगी रहेगी। अब एमसीडी चुनाव के अंदर मुद्दे क्या होंगे, क्योंकि 15 वर्षों से वहां बीजेपी की सरकार रही है, जो लोकल सरकार है वो बीजेपी की है। और दूसरी तरफ राज्य सरकार की अगर बात करें तो वो आम आदमी पार्टी की है, लेकिन कांग्रेस भी दिल्ली के अंदर एक बड़ा फैक्टर है। अब वहां पर मुद्दे क्या हो सकते हैं और किसके पास कौन सी उपलब्धि हो सकती है जिसे लेकर वो चुनाव के अंदर जाएगा। अगर सबसे पहले हम कांग्रेस की बात करें तो क्योंकि कांग्रेस बड़े दिनों से सत्ता से अलग है, वो राज्य सरकार से भी, केंद्र से भी और लोकल सरकार से भी अलग है, लेकिन उसके पास उसके बाद भी एक बहुत बड़ी, एक हम ये कहेंगे उपलब्धि ये रहती है कि शीला दीक्षित का नाम दिल्ली के अंदर आज भी आदर के साथ लिया जाता है और शीला दीक्षित के कामों की आज भी दिल्ली में चर्चा होती है। तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो यही है कि वो शीला दीक्षित के कामों के साथ आगे जाएगी और शायद ये एक उसके लिए एक रामबाण भी हो सकता है और शायद पुनर्जीवित कांग्रेस एमसीडी में हो सकती है। दूसरी बात, दिल्ली में उनके युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं अनिल चौधरी, जो लगातार जमीनी स्तर पर सक्रिय दिखे हैं इस बार, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास दो तीन चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे लेकर वो एमसीडी चुनाव में जा सकती है, जो उसके पास एक बड़ा मुद्दा हो सकता है कि 15 साल वो अलग रहे हैं, उसके अलावा जो राज्य सरकार है उसे लेकर अब देखना होगा कि कांग्रेस को दिल्ली की जनता कितना स्वीकार करती है, क्योंकि भीड़ वोट में कैसे तब्दील हो ये भी कांग्रेस के सामने एक चुनौती रहेगी। अब हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो उनके ऊपर भी सबकी नज़र है। उनके पास बड़ा मुद्दा है कूड़ा, और जिस तरह से कूड़े को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार आक्रामक रही है तो एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, उस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ सकती है। उसके अलावा अगर देखें तो आम आदमी पार्टी की राज्य में सरकार है, तो राज्य सरकार की उपलब्धियों को लेकर भी आम आदमी पार्टी के पास कुछ प्लस पॉइंट हो सकते हैं, शायद वो जनता को मोटिवेट कर सकते हैं। लेकिन केजरीवाल जी के नाम पर कितना आम आदमी पार्टी दिल्ली से वोटों को बटोर सकती है ये एक बड़ी चुनौती रहने वाली है, क्योंकि वहाँ भी ये बात लगातार होती रही है कि और कौन सा चेहरा है जिसके साथ जाए, ये एक बड़ी चीज़ है। अब बात करते हैं भाजपा की, तो भारतीय जनता पार्टी के पास क्योंकि 15 वर्ष वो वहाँ रहे हैं तो ये तो बात है कि 15 वर्षों में कुछ ना कुछ तो जो नकारात्मकता है वो दिखी होगी, तो उसे दूर करना, उसके अलावा नए चेहरों पर दांव खेलना, ये एक बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है। और चेहरों की बात करें तो भाजपा के पास चेहरे बहुत सारे हैं, तो ये एक जो प्लस पॉइंट है भाजपा के पास ये एमसीडी में भी काम करेगा, क्योंकि भाजपा जब चुनाव लड़ती है तो वो सभी ताकत लगाती है, तो वहाँ पर वो ये नहीं देखते कि हम मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं या योगी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इस एमसीडी चुनाव में भी बड़े बड़े चेहरे इस बार सभाएं करते नजर आएं। तो भाजपा के पास बड़ा एक पॉइंट ये है। उसके अलावा भाजपा के पास एक और जो बड़ी बात जो बचती है वो ये भी कह सकती है कि उसके पास एक मुद्दा ये भी हो सकता है कि हमें राज्य सरकार के द्वारा परेशान किया गया, जबकि केंद्र सरकार लगातार दिल्ली के अंदर काम करा रही है, तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें भी आ सकती हैं। तो अब देखना होगा कि क्या वास्तव में चौथी बार वहाँ एमसीडी के अंदर बीजेपी सरकार बना पाएगी। मुद्दे सबके पास हैं, मुद्दे लगातार दिल्ली के अंदर हैं, और इस बार जो सबसे बड़ा मुद्दा लग रहा है जैसा कि लोग बोल रहे हैं वो प्रदूषण होने जा रहा है। जी हाँ, पोल्यूशन की वजह से पूरी दिल्ली खास रही है, पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि बच्चों के स्कूलों की छुट्टियां भी करनी पड़ी, लेकिन अगर हम इसे थोड़ा सा इतर देखें तो ये पोल्यूशन पूरे NCR में है और इस बार पोल्यूशन कुछ ज़्यादा है। इसे लेकर भी ठोस कदम कब उठेंगे ये भी जो MCD की जनता है, क्योंकि चुनाव छोटा है और ये भी एक बड़ी समस्या है। सफाई व्यवस्था एक बात हो सकती है, लेकिन सफाई व्यवस्था के साथ साथ इस बार
पोल्यूशन पर भी जनता बात कर सकती है। तो ऐसे में देखना होगा कि आम आदमी पार्टी वो कौन से उपलब्धियां लेकर आती है और कौन सी बीजेपी की कमजोरियों को उजागर कर जनता के बीच जाती हैं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी को भी ये देखना होगा कि जो 15 वर्षों से जो उसकी निगेटिविटी है, जो लोगों के बीच जो विरोध है, वो उसे कैसे दबा पाएगी और अपनी कौन सी उपलब्धियों के बीच वो जनता के पास जाएगी और जनता उनके कौन से मैनेजमेंट को लेकर, जो MCD मैनेजमेंट है, कौन से उनकी प्लानिंग है, उसे लेकर जनता वोट देगी। हाँ, कांग्रेस के पास जरूर बड़ी चुनौतियाँ इस बार रहेगी क्योंकि एक जगह राज्य सरकार और एक जगह MCD की सरकार, लोकल सरकार, और साथ में केंद्र सरकार का सहयोग। तो ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती इस चुनाव में कांग्रेस के सामने है। अब देखना होगा कि तीनों जो पार्टियां हैं वो MCD के अंदर अपनी जो प्लानिंग है, MCD के अंदर आगे क्या करना चाहते हैं, जो एक मैनिफेस्टो, जो एक एजेंडा है, वो जब आएगा तब पता लगेगा कि तीनों दल किस चीज़ को लेकर आगे जा रहे हैं। लेकिन इस बार MCD का चुनाव रोचक होने जा रहा है और रोचक भी ऐसा कि हर किसी की नज़र, हर दल की नज़र इस MCD के चुनाव पर है। हाँ, ये अलग बात है कि इस बार MCD के चुनाव में कौन कौन से बड़े नेता आ सकते हैं, ये भी एक देखने वाली बात होगी।